जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक सत्य ज्ञान सुनते हैं। शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य गुरु के आदेश की अवहेलना करता हो, बहुत गहराई से सुनिएगा, क्योंकि आज के कलयुग में ऐसा चल रहा है, इसलिए मुझे ये बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको ऐसा ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्राप्त हो रहा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि शास्त्रों में लिख करके गए हैं। परंतु आजकल के युवा पीढ़ियों ने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो हाय पैसा और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ज्ञान है। तो माँ भगवती के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं और चलते हैं आपको ज्ञान की गंगा में डुबोने के लिए। तो जो मनुष्य गुरु की अवहेलना करता हो, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। एक तो गुरु बनाना नहीं चाहिए, और गुरु बनाया है तो गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और गुरु का आदेश ईश्वर का आदेश मान करके पालन करना चाहिए। तो जो गुरु के आदेश की अवहेलना करता है, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो मनुष्य पापी है, अधर्म का कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। अब अधर्म किसको कहेंगे? जो धर्म के खिलाफ कार्य करे, उसे अधर्मी कहा जाता है। जो धर्म के खिलाफ काम करे, वह अधर्मी हुआ। अब धर्म किसे कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। आपको गहराई में जाना पड़ेगा कि एक माता पिता का क्या धर्म होता है, बेटे का क्या धर्म होता है, बेटी का क्या धर्म होता है, इसे धर्म कहते हैं। एक मनुष्य का समाज के प्रति क्या धर्म होता है, उसे धर्म कहा जाता है। तो जो अधर्म के कार्यों में तत्पर रहे, और जो मनुष्य केवल रस रंग काम क्रोध मोह माया में ही फंसा रहे, और ऐसा मनुष्य जो अपने माता पिता की निंदा करता हो, वह हमेशा भाग्यहीन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य यदि अच्छा भाग लेकर के भी उत्पन्न हुआ है, यदि उसकी जन्म पत्रिका देखी जाए, तो वो तो बहुत अच्छा भाग्य लेकर के उत्पन्न होता है। परंतु यदि वो भाग्यहीन निकले कर्मों के हिसाब से, तो इसका मतलब यह है कि उसने ये चार गलतियां की है। तो मनुष्य को ये चार गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा उसका भाग्य रूठ जाता है। ऐसे तो आप किसी से पूछोगे कि साहब भाग्य खोलने के तरीके बता दो, तो भाग्य खोलने के तरीके में वो दान धर्म बताएगा कि ये दान करो वो दान करो, इसने भाग्य रोक रखा है तुम्हारा। अरे अपने कर्मों को भी सुधार लो तो भाग्य सुधर जाता है। तो जिसका कर्म फूट जाता है या फूटने वाला होता है, वह मनुष्य गुरु की अवहेलना करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, अधर्म का कार्य करने के लिए तत्पर रहता है,
और जो मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसा हुआ रहता है और जो अपने माता पिता की आलोचना करता हो वह भाग्यहीन हो जाता है। इन सब से दूर रहें और मनुष्य को हमेशा ज्ञान के ऊपर एक दूसरे से चर्चा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि विचार करने से ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान उत्पन्न होने पे संकट से छुटकारा मिल जाता है। यदि किसी मनुष्य को कोई संकट आ गया अचानक तो उसे 2-4, 8-10 समझदार व्यक्तियों से चर्चा करना चाहिए। तो उस चर्चा के दौरान किसी न किसी की जीवन के ऊपर सरस्वती विराजमान होकर के आपको उसका उपाय मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि विद्वान पुरुष को एक दूसरे व्यक्तियों से मिलकर के जो समस्या आई है उस समस्या के ऊपर चिंतन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान की उत्पत्ति होने से संकट से छुटकारा मिल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य भाग्यहीन क्यों हो जाता है। यदि आप भी भाग्यहीन हो और यदि इनमें से कोई गलत काम करते हो तो वो कार्य करना बंद कर दें और माफ़ी मांगे, बारंबार माफ़ी मांगे। हो सकता है गुरु माफ़ कर दे, हो सकता है माता पिता माफ़ कर दे, और हो सकता है कि आप जो विषय वासना में रत रहते हो उससे दूर हो जाओ। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। कमख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमी दर्शन देवियम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जय माता दी।